त्रिविधं नरकस्य द्वारं काम क्रोधस्तः लोभस्तः त्रयं त्यजेत्। नरक जाने का निम्नलिखित तीन द्वार है, काम क्रोध अतः लोभ। यदि आप नरक न जाकर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो कृपया इन तीन अवगुणों पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों और श्रोतागणों को धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का क्लास बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रिगोनोमेट्री क्लास 4 का आरंभ करने का प्रयास करूँगा। पिछले कक्षा में मैंने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, परंतु कैसे। और उसके बाद मैंने चर्चा किया था कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, परंतु कैसे, इसका प्रमाणित देखा था। आज हम प्रयास करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, परंतु कैसे। हम क्या बताए थे आप लोग के, कि हमारे शरीर के मध्य हिस्सा वाले भाग के बाएं पक्ष को LHS कहा जाता है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि आपका शरीर का मध्य हिस्सा ये है, तो इसका बाएं पक्ष कौन सा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, LHS हो गया। और बराबर के उधर वाले को क्या कहा जाता है, RHS। यानी कि आपका शरीर यदि ये है, तो यदि आपके शरीर का मध्य हिस्सा ये है, तो इसके दाहिने पक्ष कौन हुआ, एक, तो ये क्या हो गया, RHS। तो LHS से चलेंगे और RHS यदि आ गया तो हम क्या कहेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो LHS से चला जाए, LHS से बताइएगा, LHS में क्या है जी, sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही है ना भाई। तो बताओ यार, sec स्क्वायर थीटा आप लोग को क्या बताए थे हम, ध्यान दीजिएगा, लाल बट्टा कक्का, या था ना, क्या बताए थे, लाल बट्टा कक्का। मान लो कि कोई व्यक्ति एकदम थुथुर पनाय कर रहा है कि नहीं सर हमको ये यादें नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखे थे, पंडित बेटा पंडित हरी हरी बोल। अब तो याद हो जाएगा ना, याद रखिएगा बढ़िया से। एक बार पुनः रिवीजन करवा देते हैं, यदि ऊपर से नीचे की ओर चले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार। यदि नीचे से ऊपर की ओर चले तो साइन उल्टा क्या होता है आप लोग के, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा जी, कर्ण बटा लंब। कोस उल्टा क्या होता है जी, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा जी, कर्ण बटा आधार। टेन उल्टा क्या होता है जी, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा जी, आधार बटा लंब। याद हो गया, अच्छा भाई याद नहीं हुआ तो फिर से देख लो एक बार। एक और ट्रिक क्या बताए थे भाई, एक ट्रिक आप लोग क्या बताए थे, पंडित बेटा पंडित हरी हरी बोल। अब तो याद हो गया होगा भाई, पंडित बेटा पंडित हरी हरी बोल। अगर ऊपर से नीचे की ओर चला जाए तो पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, पी, याद होगा ना जी, हाँ याद होगा। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए से पी से सूचित करेंगे, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए से एस से सूचित करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बटा एच। कोस थीटा क्या होगा, बी बटा एच। टेन थीटा क्या होगा जी, पी बटा बी। साइन उल्टा क्या होता है आप लोग के, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, एच बटा पी। कोस के उल्टा क्या होता है आप लोग के, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, एच बटा बी। अब बताइए, टेन उल्टा क्या होता है आप लोग के, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा जी, बी बटा पी। अब तो याद हो गया होगा भाई, याद हो गया ना, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब बताओ देख करके यहाँ पे, सेक थीटा क्या होता है, अरे भाई तुम लोग पहले ही बताए यार कि कोस थीटा उल्टा सेक थीटा होता है। जब कोस थीटा आप लोग याद है कि आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, अपोजिट, चलिए उल्टे डायरेक्शन से, तो बताइएगा कर्ण बटा आधार। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, कर्ण बटा आधार, कोई दिक्कत,
अगर कोई दिक्कत होगा भैया तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा हमें। टैन थीटा का क्या बताते भाई, ध्यान से देख लो यार, यदि अभी याद नहीं है तो फिर भी देख लो यार, पे ट्रिक कम से कम याद रखना, समझ बात के, लाल भट्टा कक्का या तो फिर क्या पंडित विद पंडित हरि हरि बोल। अब टैन थीटा देख लो, यहाँ पे टैन थीटा तो नजर आ ही रहा होगा आपको, साइन कोस टैन, टैन थीटा क्या भाई लंब बटा आधार, यहाँ पर क्या लिखोगे लंब और बटा आधार। अब बता भाई कान को दो बार गुना करोगे तो क्या होगा भाई, क्या कहना चाहते हो भाई, कर्ण स्क्वायर होगा ना, आधार को दो बार गुना करोगे तो क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। आप लोग तो मालूम है भाई, तुम लोग तो पहले से ही होशियार हो, लंब को दो बार गुना करेंगे तो क्या होगा भाई लंब स्क्वायर, और आधार को दो बार गुना करेंगे तो आधार स्क्वायर। यहां तक किसी कोई दिक्कत, देख भाई दिक्कत होगा तो पहले बता देना हमको, सही बात के। अब बताओ यहाँ पे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर के एलसीएम लोगों क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है तुम लोगे, अच्छा जी नहीं आधार स्क्वायर, चलो बढ़िया है, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर में भागा तो कितना बार में कटेगा भाई, एक बार में कटेगा, और जब एक से गुना करोगे कर्ण स्क्वायर में तो क्या होगा भाई कर्ण स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, चलिए बढ़िया। अब आधार स्क्वायर से फिर भागा दीजिएगा आधार स्क्वायर में, एक बार में कटेगा, और जब एक से गुना कीजिएगा लंब स्क्वायर से क्या होगा लंब स्क्वायर। आप लोग यदि याद होगा तो हम क्या बताए थे भाई, हम बताए थे आप लोग कि लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, यहां तक तो किसी कोई तकलीफ नहीं था। अब यदि हम यहां से देखें तो लंब स्क्वायर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर, इधर प्लस में आधार स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में आधार स्क्वायर। अब बताइए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, अरे ध्यान से देख यार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की जगह पर तो लंब स्क्वायर लिख ही सकते हो, और यदि हम आधार स्क्वायर यहां से निकालना चाहें आधार स्क्वायर तो क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर लिखोगे, इधर देखो तो प्लस में है ना, अरे भाई इधर प्लस में लंब है यार, तो इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में करोगे लंब स्क्वायर। अब बताना कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर क्या है भाई, तब बोलोगे आधार स्क्वायर, और नीचे क्या है आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर काटेगा कितना बार, एक बार में, यही ना आरजेस लाना था, एलजेस से चले आरजेस रोग, यहां तक किसी कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला हम प्रयास कर रहे हो कि याद ही हो गया होगा, हालांकि प्रमाण कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है पता है आप लोग के, मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग को इसके बारे में बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि आप लोग के फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, समझ कर याद हो जाए, समझे बात के। हाँ जी, रटा हुआ चीज रहता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, समझे बात के, समझने का प्रयास करना, चलो जैसे हम यही बोलना चाहते हैं आप लोग के, यदि किसी चीज को समझ करके पढ़ा जाए तो आप 10 साल के बाद भी उसको पुनः रिवीजन करोगे ना तो दिमाग में ऑटोमेटिक आपके अंदर रिकॉल हो जाएगा, यही अगर आप किसी चीज को रट लेते हो ना भाई तो देखना 2 साल के बाद पाला नहीं पड़ेगा तुमको, समझ बात के, लगेगा क्या नया चीज पढ़ रहे हैं, हालांकि तुम उस चीज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, समझ लो ना, तो इसीलिए थोड़ा प्रयास करना समझ करके पढ़ने के लिए, समझ लो, इसीलिए हम सारा फॉर्मूला प्रमाण करवाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट बैच लेकर के आ रहे हैं भाई आप लोग के लिए, क्लास 11-12 के 11th में हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे ट्रिगोमेट्री, फिर बात के एडवांस लेवल ही उसका रहेगा, जो मतलब बेसिक टू एडवांस रहेगा परंतु वो IIT लेवल के रहेगा, समझ रहे हो ना, और अगर क्लास 12 की बात किया जाए तो हम प्रयास करेंगे कि हर से स्टार्ट किया जाए, समझ रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट बैच हम लेकर के आ रहे हैं सिर्फ UPSC के लिए, ओनली फॉर UPSC में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, समझ बात के, उसके सिलेबस के बारे में, उसके बाद प्रयास करेंगे UPSC के जो जितने भी बेसिक बुक्स हैं जैसे NCERT तो सारे NCERT को मतलब क्लियर करवाएं, सही बात के, अगर कोई भी बच्चा बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता है उसको यदि प्राइम में किसी प्रकार कोई तकलीफ है, सही बात के, वो इफेक्ट नहीं कर पाना चाहता है, मतलब शायद वो मुखर्जी नगर आना चाहता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं हम मुखर्जी नगर में रह करके पैसा नहीं इफेक्ट कर पाएंगे, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसके लिए कुछ ना कुछ मदद किया जाए, हालांकि अभी हम खुद सुनने हैं भाई, मेरा स्थिति इतना खराब है कि मेरे पास 10 दिन से 1 रुपया पैसा नहीं है, समझ बात के, जो भिखारी का रूप धारण कहा जाता है ना
वो स्थिति मेरे पास है। लेकिन मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग के लिए कुछ करूं, सही बात की है, आप लोग के लिए कुछ करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, सही बात की है। तो यही मेरा प्रयास रहेगा, बस सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ रहे हो, लाइक शेयर कमेंट ठोकते रहिए, समझ रहे हो, जितना सब्सक्राइब करोगे भाई तुम लोग के लिए हम उतना ही कुछ करने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हो। जो लोग 10,000-20,000 रुपये में मतलब कोर्स उपलब्ध कराते हैं, हम प्रयास करेंगे तुम लोग के लिए सेवा देने का, समझ बात किया। तो स्टार्ट किया जाए, क्या बताए थे भाई आप लोग के, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे, अरे ध्यान देना यार, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जब एक होता है, यहां से अगर तुम चाहो कि sec स्क्वायर थीटा निकालना तो नहीं लिख सकते हो, एक एक और इधर माइनस और tan स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो प्लस और tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बताए बराबर किधर वाले को LHS, बराबर उधर वाले को RHS, तो LHS से चलेंगे और RHS आगे तो क्या कहेंगे, प्रमाणित होगा। तो चलो भाई LHS क्या है, sec स्क्वायर थीटा, याद आ गया, लाल बट्टा कक्का या पंडित बेटा पंडित, हरी हरी बोल। अब बताना sec किसका उल्टा होता है यार, cos का उल्टा sec होता है, यही बोलोगे ना, तो जो cos थीटा और आधार बटा कर्ण होता है तो sec थीटा क्या हो गया यार, कर्ण बटा आधार। तो यहां पर क्या लिखोगे, कर्ण और बटा आधार, अस्पर है तो अस्पर चढ़ा ही दोगे, इतना तो कर ही सकते हो ना तुम, चलो बढ़िया। कर्ण को दो बार गुना करोगे कर्ण स्क्वायर होगा, आधार को दो बार गुना करोगे आधार स्क्वायर हो गया। यहां तक किसी कोई तकलीफ नहीं, अगर तकलीफ होगा भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्योंकि अभी हम लाइव टू चैनल चला नहीं रहे हैं, आप लोग का अगर अच्छा प्रयास रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, तो हम प्रयास करेंगे इसी रूम में एक अच्छा स्टूडियो बनाया जाए, सही बात के, उसमें जो ऑनलाइन के इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, सही बात के, कैमरा हो गया और लाइटिंग हो गया, सही बात के, और भी जो चीज मतलब इंस्टॉलमेंट हो जिससे मतलब ऑनलाइन क्लास में किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो, प्रयास करें कि इसके बाद खरीद लिया जाए, परंतु मेरी स्थिति तो अभी खुद ही खराब है, फिर बात क्या, इसीलिए हम प्रयास करें कि मोबाइल से रिकॉर्ड करके पढ़ाया जाए। चलो बढ़िया, क्लास की अगली टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। चलो देखो यहाँ पे, तो जब LHS से चले तो LHS से sec स्क्वायर थीटा था, क्या है भाई, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, RHS चलो RHS से बताओ RHS क्या है,